34 या 35 घंटे बाद है जो पानी है जो पिया है। हेलो फ्रेंड्स, सबको राम राम, नमस्ते। तो आप सब लोग कैसे हो? तो अभी ये सुबह सुबह है जो बारिश स्टार्ट हो गई है, रात से है जो बारिश हो रही है। तो वैसे तो कुछ दिनों से बारिश चल ही रही है, तेज बारिश। आपने है जो इंस्टाग्राम पे देखा होगा कितनी ज़्यादा बारिश के कारण है जो जगह जगह खेतों में जो पानी इकट्ठा हो गया। और कल थी निर्जला एकादशी, तो मैंने भी है जो उसका व्रत किया था, निर्जला एकादशी का। वैसे तो मैं 4 या 5 साल से है जो लगातार है जो बिना जल ग्रहण करे है जो व्रत करती हूँ। तो कल भी मैंने किया था, और कल कुछ थोड़ा सा स्पेशल था। वैसे क्या होता है कि निर्जला एकादशी में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक है जो पानी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इस बार मैंने 35 घंटे बाद, 34 या 35 घंटे बाद है जो पानी है जो पिया है। सिर्फ एक बार जो पूजा पाठ के बाद है जो चरणामृत लेते हैं पंडित जी से, वो लिया था। उसके बाद है जो अभी तक मैंने पानी नहीं पिया है। अभी थोड़ा बहुत और नहा धो के जो पूजन करके आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद है जो पानी वगैरह पियेंगे। तो बोल सकते हो 30 तारीख जब हम खाना खाते हैं, तो उसके बाद लगभग 10 बजे खाना पीना खा के सो गए थे। तो 30 तारीख से लेके 10 बजे से, रात के 10 बजे से स्टार्ट हुआ था मेरा व्रत, और आज हो गया है 1 तारीख, और बज चुके हैं 7:30 या 8 बज चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कंफर्म, ये देखो 7:30 शायद आपको दिख रहे हैं, तो 7:30 हो गए हैं। और अभी भी है जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, इतने में बढ़ जाएंगे 8। तो क्या कारण था कि मुझे जो पानी की प्यास नहीं लगी इस बार, और इतना टाइम है जो मैंने बहुत ही जो आसान तरीके से है जो निकाल लिया। एक तो था कि कल से है जो मौसम ठीक ठाक था, ठंड थी, और अभी भी है जो मॉर्निंग से है जो बारिश हो रही है। तो क्या है कि बारिश के कारण भी है जो थोड़ी बहुत है जो ठंड कम लगती है। दूसरा कारण था दिन भर है जो काम में लगे रहो, अपने काम में यदि फ्री रहते हैं तो प्यास है जो ज़्यादा लगती है। तो मैं अपनी शॉप पे जो दिन भर काम करती रही, तो उस टाइम तो मुझे जो प्यास नहीं लगी, और बादल की वजह से भी थोड़ा सा है जो गर्मी कम था। तो रात को तो वैसे भी है जो मैं पानी कम पीती हूँ। सेकेंड, जो व्रत करता है उस पे है जो भगवान की स्पेशल कृपा रहती है, शायद मेरे हिसाब से स्पेशल आशीर्वाद रहता है, जिस कारण से हमें जो व्रत करते हैं तो उसमें भूख प्यास है जो नहीं लगती है मेरे हिसाब से। तो उसमें इसीलिए है जो मुझे प्यास नहीं लगी, और 34 से 35 घंटे है जो मैं लगभग बिना पानी पिए है जो फर्स्ट टाइम है जो रही हूँ निर्जला व्रत। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, 4 या 5 साल से लगातार ही कर रही हूँ। तो उसमें है जो सिर्फ चरणामृत लेके है जो मैं अपना व्रत है जो पूर्ण करती हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अभी है जो मैं पूजन करके आ चुकी हूँ, तो ये व्लॉग का एंड करेंगे, और उसके बाद पानी पियेंगे, और फिर है जो खाना वगैरह है जो खा लेंगे। तो आज का छोटी सी जानकारी, ये व्लॉग कैसा लगा, क्या आप भी इस तरीके से व्रत करते हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैंने तो है जो इतना लंबा है जो बिना पानी पिए फर्स्ट टाइम रखा है। क्या आप रेगुलर करते हो या हर साल करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।